हमसे। आपने कहा कि कुछ नाराजगी है, क्या नाराजगी आपको लगा? नाराजगी तो सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिक्स पर है, वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये GST, इस सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। इंटरेस्ट रेट जो ब्याज के जो दर्ज हैं दर्जा है वो बढ़ते गया, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का, और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल। हाँ। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से, आपने ये भी कहा कि चिदंबरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से, जेटली आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। तुम क्या जेटली का चमचा हो? ठीक है सर, आखिरी सवाल। हाँ। तीन कोर इश्यूज थे सर जब बीजेपी सत्ता में आई थी, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर। तीनों ही 5 साल प्रचंड बहुमत के बावजूद तीनों ही अभी तक ना मंदिर ना 370 ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को कहना चाहिए ओके माफ कर दो इस बार, अगले बार निश्चित होगी, और एक और बार हमें दीजिए। मतलब माफ कर दो इस बार, एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।